पुलिस की सह पर फल फूल रहा सट्टे का कारोबार, कटोरियों पर नहीं है लांजी पुलिस का कोई अंकुश। लांजी नगर में सट्टे का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। नगर सहित गांव में भी सट्टा का कारोबार लांजी पुलिस की मदद से तेजी से फैल रहा है। लोग बेखौफ होकर अपने काले धंधे का संचालन कर रहे हैं। पूरे नगर को सट्टे ने अपनी चपेट में ले लिया है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग अब खुले आम सट्टा खेल रहे हैं और उनमें पुलिस का भी कोई डर नहीं नजर आता। वहीं पुलिस भी इस पूरे मामले में अपनी आंखें मूंदे हुए हैं। सटोरियों का विरोध करने पर उल्टा सटोरियों के द्वारा कहा जाता है कि हम थाना प्रभारी को मंथली रुपया देते हैं, कौन क्या बिगाड़ लेगा हमारा। नगर की तंग गलियों में काफी लोग सट्टे के धंधे में लगे हुए हैं। वहीं हालात देखकर लगता है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पुलिस की भी मिलीभगत है, क्योंकि जिस तरह लोग खुलेआम सट्टा लगा रहे हैं इसकी जानकारी पुलिस को होते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। माना जा रहा है कि नगर में रोजाना लाखों रुपए का सट्टा खेला जा रहा है। नगर में धड़ल्ले से चल रहे इस कारोबार को इलाके के सफेदपोश नेताओं और थाने के थाना प्रभारी का खुला संरक्षण प्राप्त है। सूत्रों की माने तो क्या सब्जी मंडी, गुजरी चौक, मनेरी फाटक और नगर के गली मोहल्ले और क्या चौक चौराहे सटोरियों के द्वारा खुलेआम सट्टा पट्टी लिखी जा रही है। इसके कारण अतिरिक्त कई साइकिल स्टोर, पान ठेला, चाय दुकान की आड़ में भी सट्टा पट्टी लिखने का खेल चला रहा है। नगर से जुड़े अनेक गांव में भी सट्टा कारोबारी पैर पसार चुके हैं। विडंबना यह है कि सट्टा के इस खेल में युवा और बुजुर्ग बड़ी संख्या में फंसे हुए हैं। अब तो विद्यार्थी, व्यवसायी और महिलाएं भी सट्टा खेलने के लिए पहुंचने लगी है। इसका दुष्प्रभाव युवा वर्ग पर अधिक दिख रहा है, जहां युवा वर्ग के लोग सट्टा एवं जुआ जैसे संगीन अपराध में संलिप्त होते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस अपराध को रोकने में लांजी पुलिस नाकाम साबित हो रही है, जिससे पुलिस प्रशासन की छवि धूमिल होती नजर आ रही है। लांजी से रिपोर्टर राजू रामटेकर की रिपोर्ट।